हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और बाहर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ इस समय। सुबह सुबह मैंने और पापा ने मिलके आम तोड़े हैं और मैं अभी इसको यहाँ पे काट रहा हूँ। और काटने के बाद फिर समझ में आ ही गया होगा आम का अचार बनेगा इससे। अभी इतना ही कटा है, अभी इतना बाकी है काटना। आम काटना पूरा कंप्लीट हो गया। अभी जो थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं गुठली बची है, उसको उठा के फेंकेंगे। और सुबह से जो बारिश हो रही थी अभी थम गई है, मतलब अभी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। तो चलिए आपको ए टाइप क्वार्टर, जो मेरा क्वार्टर है वो ए टाइप क्वार्टर होता है। बेसिकली ए टाइप है, बी टाइप है, उसके बाद एच बी है, फिर उसे जो मैनेजमेंट वाले होते हैं जैसे कि जो मैनेजरियल पोस्ट पर आते हैं उनके लिए सी टाइप क्वार्टर्स है। तो मैं अपने क्वार्टर से स्टार्ट करता हूँ, फिर ऐसे ही अगली इसके बाद जो आगे और वीडियोस आएंगी उसमें अलग अलग क्वार्टर्स के मैं क्या बोलते हैं आपको एक टूर दूंगा, उनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये मेरा क्वार्टर है यहाँ से लेके और ये इसकी बाउंड्री यहाँ तक है। ये सामने है, पेड़ है इसमें और मैक्सिमम क्वार्टर्स में पेड़ रहते हैं यहाँ पर। और ये अंदर का एरिया है, ये यहाँ पे एंट्रेंस पे छोटा सा गेट है ये, तो आप इसको यूँ बंद कर सकते हैं, बंद हो गया। उसके बाद ये एरिया है, इसमें लोग फूल वगैरह या किसी को अगर सब्जी वगैरह लगाना रहता है तो वो लोग लगाते हैं। और इतना एरिया सीमेंटेड करा देते हैं ताकि बैठने उठने में काम आए। और इसकी जो छत है ना वो सीमेंटेड है और ऊपर से जो ये ब्लैक पार्ट दिख रहा है ये तारकोल है। और इसके बगल में भी अभी स्पेस है काफ़ी। अभी ये कूलर चल रहा है तो लोग ऐसे खिड़की पे कूलर रख लेते हैं, काफ़ी आवाज़ कर रहा है इसके लिए, सॉरी। और ये कुछ एरिया इधर का है ऐसे, इसमें भी क्या बोलते हैं कि नींबू वगैरह फूल वगैरह लगे हैं तो ऐसे बाकी लोग भी लगाते हैं। और जिसके घरों में ज़्यादा लोग रहते हैं जैसे कि पूरी फैमिली रहती है तो वो कूलर ऐसे बाहर लगा देते हैं। ये तो घर के बाहर बाहर का एरिया था, अभी आप अंदर जाते हैं फिर आपको घर के अंदर का एरिया दिखाते हैं इसमें कितने रूम होते हैं, किचन वगैरह बाकी सारी चीज़ें। अब अंदर चलते हैं। अब देखिए ये अब हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे जब क्वार्टर के अंदर जाते हैं तो ये एक जाली वाला दरवाज़ा है, उसके बाद ये लोहे का दरवाज़ा पड़ता है, उसके बाद ये है पहला रूम। इधर एक खिड़की है, यहाँ पे मेन स्विच रहता है आपका, मतलब कि अगर लाइट को पूरा अगर पूरे घर की लाइट काटनी हो तो यहाँ से काट सकते हैं। ये हमारी है, जैसे कि अभी क्या है कि यहाँ पे कमरा खाली है क्योंकि हम लोग दो ही लोग रहते हैं तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं रखे हैं। यहाँ पे आप बकायदा एक पूरा बेड लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ा है ये। और उसके बाद फिर अंदर चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है और यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है। और बाकी यहाँ पे हम लोगों ने मंदिर बनाया है, जिसको कुछ और मन करता है वो अपना लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये इसको बेडरूम माने तो ये बेडरूम है, तो बेडरूम में कुछ ऐसे है ये, इसमें दो खिड़कियाँ हैं और ये एक आपको अलमारी मिलती है। और उसके बाद इससे सटा हुआ ये किचन है यहाँ पे, तो ये किचन है यहाँ पे, ऐसे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे भी बेसिन है और यहाँ पे भी खिड़की है और ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और यहाँ पे ऐसे ये अलमारी है। और उसके बाद जब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ अंदर चलते हैं तो यहाँ पे ये बाथरूम है और ये जो दरवाज़ा है इसमें है लैट्रिन, ये चीज़ें। और बाहर चलते हैं तो यहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे एक दूसरी भी टैंक बना हुआ है, एक दूसरा भी टैंक बना हुआ है, जैसे कि ऊपर वाला टैंक अगर फुल होता है तो पानी ऊपर फ्लो होने के बाद यहाँ आता है। और ये एरिया है इतना, और यहाँ पे भी एक टैप लगा हुआ है। और ये जो दरवाज़ा है ये बाहर की तरफ खुलता है, तो बाहर मतलब कुछ है नहीं, बाहर तो ऐसे बहुत गंदगी ही है, तो वो पीछे साइड का एरिया है। और जैसे कि ये वाला जो एरिया खाली पड़ा हुआ है, अगर इसमें भी लोग जो जिसके जिसका परिवार ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे भी लोग एक कमरा या रूम जो भी अगर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहे तो कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। और वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो NCL खुद करा देता है, मतलब आपको खुद का पैसा कुछ लोग लगाते भी हैं और कुछ NCL भी करा देता है। तो ऐसा कुछ है यहाँ का क्वार्टर। तो ये ए टाइप क्वार्टर था जिसकी वीडियो मैंने आपको पूरी बताई, पूरा इसका टूर कराया।
और इसमें अगर कुछ भी टूट फूट होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, और फिर से जितने भी फैन ये लगे हुए हैं, ये ऊपर देखिए ये जो फैन लगा हुआ है, ये सारे फैन वगैरह, लाइट वगैरह, इवन बल्ब, ट्यूब लाइट, ए टू जेड, सब का सब NCL बियर करती है। अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो बस आपको क्या करना है कि जाना है, जो लोग अगर पहले से वीडियोस देख रहे हैं मेरी, तो मैं बैंक गया हुआ था, तो बैंक के पास में ही इसका क्या बोलते हैं ऑफिस, वहाँ पे जाके आपको उनको इंटीमेट करना पड़ता है, मतलब सूचित करना पड़ता है कि मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो वो आपकी प्रॉब्लम को लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं काम करने वाले उनको भेजते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर सिविल वाला कोई वर्क है, सिविल मतलब कि कुछ टूट फूट गया है, मतलब घर में दीवार या फिर से कलर करवाना है, तो वो सारी चीज़ें कलर करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो इलेक्ट्रॉनिक विभाग वाले जो आएंगे वो काम करेंगे। तो ऐसे सारी चीज़ें, सारी ये फैसिलिटीज़ हैं जो मिलती हैं। इसमें रख दिए हैं अचार, अचार में हल्दी और नमक मिक्स करके छोड़ दिए हैं, अब ये रात भर ऐसे ही रहेगा। अभी समय 6:13 हो रहा है और आजकल मैं खूब सो रहा हूँ, दिन में 2 दिन से देख रहा हूँ कि जब सो रहा हूँ, और सुबह जब जगे थे तब बारिश हो रही थी, अभी जगे हैं तो बारिश जैसे मौसम हो रखा है, जैसे लग रहा है कि बारिश होगा। और दिन में थोड़ी सी धूप हुई थी 4-5 घंटे, तो हम लोग का आम सूख गया था। आज तो पूरा लग रहा है रेनी डे हो गया है, ये देखो पूरा बारिश। आज अभी रात हो गई है, समय कितना हो रहा है, समय हो रहा है 8:16 हो रहा है, और अभी भी बारिश हो ही रही है। शाम से बारिश स्टार्ट हुई है, अभी तक बारिश हो रही है। डिनर बन के तैयार हो गया है, और डिनर में मैंने बनाया है दाल रोटी, क्या बोलते हैं, मिक्स दाल है, रोटी है, तो अभी कुछ देर के बाद खाएंगे। तो फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।